समय खुद आप देख सकते हैं मौके का निरीक्षण करने पहुंचे हैं डीएसपी करनाल और थाना SHO ने सिंह, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर जिस जगह पर ये बड़ी वारदात हुई है, 1.5 लाख रुपए की बड़ी वारदात हुई है। गिलास शराब वगैरह पी रहे थे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमूमन देखा जाता है कि जो लोग हैं नशेड़ी किस्म के लोग हैं वो शराब आदि भी पीते हैं। आप देख सकते हैं देसी शराब की बोतल वहाँ पर पड़ी है और हो सकता है कि यहीं पर शराब पीने के बाद रिहा से जो व्यक्ति निकल रहा हो उसको लूट लिया गया हो। ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक बड़ी वारदात हो जाती है निसिंग अनाज मंडी रोड पर। पुलिस की टीमें इस समय मौके पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं, करनाल के निसिंग से देख सकते हैं जहां पर ये बड़ी वारदात हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, समय आप देख सकते हैं DSP और SHO इस समय जहाँ से वो पैसे निकलवाए गए हैं उस बैंक में पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि वहाँ के CCTV कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जा सके। ये निसिंग से इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं जहाँ पर एक बड़ी वारदात हो जाती है। ये की टीमें भी इस समय आप देख सकते हैं, IIFL गोल्ड लोन जहाँ पर बैंक 1.5 लाख रुपए में निकलवा कर गया था, वहाँ पर CIA की टीमें भी इस समय मौके पर पहुँचती हुई नजर आ रही है। DSP खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं, SHO खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं, CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ी वारदात हो जाती है, 1.5 लाख रुपए की नकदी। बताया जा रहा है कि यहीं से जो सुनील नाम का एक पुलिस कर्मचारी है, जो होमगार्ड का जवान है, वो पैसे निकलवा कर गया था, उसके साथ जो है लूटपाट की बड़ी वारदात हो जाती है। इस समय आप देख सकते हैं काफी देर जो है जांच की, DSP साहब खुद मौके पर पहुंचे थे, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर कुछ पता चल पाया कौन लुटे रहे थे और क्या कुछ जानकारी, कितने लाख की लूट हुई है सर? इतने लाख की लूट नहीं है। इस लड़के ने 30,000 रुपये इसके इसमें डाले थे गूगल पे में, और 30,000 इसको कैश दिया था अपनी जेब से, कोई बैंक का पैसा नहीं दिया ना यूँ लेगा। इस लड़के ने अपने ट्रैक्टर की किस्त भरनी थी, इस तरीके से झूठ बोल दिया और कोई पैसे लूट नहीं हुई। मतलब यहाँ से कितने निकलवाए थे सर इसने? 30,000 रुपये इसने अपनी जेब से कैश दिया था जी लड़के ने मैनेजर ने, और 30,000 इसके उसमें गूगल पे में से मोबाइल में डाले। 60,000 रुपये निकलवाए हैं सिर्फ इतना, वो इसके हैं इसके पास। तो इसने 1.5 लाख की कहानी बनाई, सारी कहानी बनाई थी इसने, तो उसकी किस्त भरनी, ट्रैक्टर की किस्त भरनी थी, ट्रैक्टर की कि भी मेरे वो किस्त जो है ना वो अटक जाएगी, मैं पैसा नहीं भर पाऊंगा, इस करके इसने झूठ बोला। इस मैनेजर का मैंने खाता चेक कर लिया, मेरे कार्ड का मैंने मैनेजर का रिकॉर्ड चेक कर लिया जी, ये फोटो कॉपी कहीं इसकी 1.5 लाख की या 2 लाख कोई एंट्री नहीं है। मैंने कहा इतने पास इनके पास पैसे थे बैंक में भी और इसमें भी, और मैनेजर को मैंने पूछा थोड़ा सा प्यार से, इस लड़के से भी ना बता दिया, सर मेरे पास मैंने अपनी जेब से 30,000 उसको मैंने कैश दिया था, और 30,000 गूगल पे में डाल ले, तो मैं इसका गूगल पे भी चेक कर। तो 1.5 लाख की किस्त कैसे बचती, पैसे तो इसने निकलवाए नहीं वहाँ, झूठ बोला ना, झूठ बोला, पुलिस को भी गुमराह करा सर, कहीं ने गुमराह किया, ट्रैक्टरों की किस्त भरनी होगी, पर सर मैंने किस्त भरनी थी, मैंने झूठ बोल दिया, मैं संतुलन में आ गया, वो चुप गया। तो सर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि खुद पुलिस में है ये, अभी मैं बुला के स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ उसके बाद। तो सिटी थाने में है सर ये? सिटी थाने पोस्टेड है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं DSP साहब ने एक बड़ा खुलासा किया है, एक बड़ा मामला निकल कर सामने आया है, हैरान कर देने वाली कहानी कि लूट नहीं थी, कहानी मचाई गई थी, आप देख सकते हैं एक कहानी बनाई गई थी निसिंग लूट में, एक बड़ा खुलासा होता है। IIFL फाइनेंस से कोई 1.5 लाख रुपए की राशि नहीं निकलवाई गई थी, खुलासा हो चुका है। तमाम CIA की टीमें मौके पर पहुंची है, तमाम SHO मौके पर हैं, आप देख सकते हैं एक बड़ा खुलासा खुद DSP करनाल ने किया है। तीरे समय आप देख सकते हैं इस जगह पर जहां पर वारदात हुई है उस जगह पर इस समय पुलिस के अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचे हैं, जिसमें DSP करनाल मौके पर पहुंचे हैं, SHO निसिंग मौके पर पहुंचे हैं, और जिस व्यक्ति के साथ वारदात हुई है वो होमगार्ड का एक कर्मचारी बताया जा रहा है, पुलिस होमगार्ड का कर्मचारी बताया जा रहा है। और इस समय खुद आप देख सकते हैं मौके का निरीक्षण करने पहुंचे हैं DSP करनाल और थाना SHO ने सिंह, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर जिस जगह पर ये बड़ी वारदात हुई है, 1.5 लाख रुपए की बड़ी वारदात हुई है। गिलास शराब वगैरह पी रहे थे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमूमन देखा जाता है कि जो लोग हैं नशेड़ी किस्म के लोग हैं वो शराब आदि भी पीते हैं। आप देख सकते हैं देसी शराब की बोतल वहाँ पर पड़ी है, और हो सकता है कि यहीं पर शराब पीने के बाद रिहा से जो व्यक्ति निकल रहा हो उसको लूट लिया गया हो। ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक बड़ी वारदात हो जाती है निसिंग अनाज मंडी रोड पर, जहाँ की आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है, वहाँ पर कुछ लोग शराब पी रहे थे, हो सकता है कि उन्हीं
शराबी नशेड़ी किस्म के लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया हो। डीएसपी और एसएचओ इस समय मौके पर मौजूद हैं, मामले की पूरी गहनता से छानबीन की जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। निसिंग में वारदात हुई है और जिस जगह पर वारदात हुई है वहां पर इस समय पुलिस की टीमें इस समय मौके पर पहुंचती हुई नज़र आ रही है। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं, करनाल के निसिंग से देख सकते हैं, जहाँ पर यह बड़ी वारदात हुई है। आप देख सकते हैं शराब पीने के आदि हैं जो यहाँ पर बैठा कर सकते थे, बियर की बोतलें भी ऊपर पड़ी हैं। हालांकि कहा नहीं जा सकता कि जो लुटेरे थे पहले से यहाँ पर घात लगा कर बैठे थे, या पहले से जब वो कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी जो होमगार्ड का जवान है वो पैसे निकलवा कर आ रहा था, उसका पहले ही पीछा किया जा रहा था, क्योंकि 1.5 लाख रुपये की राशि उसके जेब में थी। उनको कैसे पता था कि 1.5 लाख रुपये की राशि उसकी जेब में है, जिसके बाद आप देख सकते हैं पुलिस की तमाम टीमें हरकत में आ जाती हैं और मौके का निरीक्षण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जहां से पैसे निकलवाए हैं 1.5 लाख रुपये, उस जगह जाती हुई पुलिस की तमाम टीमें नज़र आ रही हैं। फिर इस समय आप देख सकते हैं डीएसपी और एसएचओ इस समय जहां से वो पैसे निकलवाए गए हैं उस बैंक में पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि वहां के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जा सके। ये निसिंग से इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं, जहां पर एक बड़ी वारदात हो जाती है। 1.5 लाख रुपया एक पुलिस कर्मचारी जो होमगार्ड का जवान बताया जा रहा है, यहीं से बताया जा रहा है कि वो पैसे निकलवा कर गया था, यहीं से वह पैसे निकलवा कर गया था। और अब आप देख सकते हैं 1.5 लाख रुपये उसके साथ जो है बताया जा रहा है कि लूट हो जाती है। पुरानी अनाज मंडी के पास जैसे ही वह पहुंचता है उसके साथ लूट हो जाती है, तमंचे की नोक पर 1.5 लाख रुपये की राशि उससे लूट ली जाती है, जिसके बाद आप देख सकते हैं पुलिस की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं, मामले की पूरी गहनता से छानबीन शुरू कर दी गई है। लाइव तस्वीरें निसिंग से इस समय आप देख सकते हैं, जिस शख्स के साथ ये वारदात हुई है उसको भी अब मौके पर बुलाया जा रहा है, सीआईए की टीमों के साथ वो भी मौके पर पहुंचता हुआ कुछ ही देर में नज़र आएगा। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, इलाका डीएसपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। आईआईएफएल फाइनेंस गोल्ड लोन के नाम से ये शायद बैंक है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहाँ पर 1.5 लाख रुपये की राशि, 1.5 लाख रुपये की राशि वह पुलिस कर्मचारी जो होमगार्ड का जवान है वो निकलवा कर गया है, और उसके साथ ये देसी तमंचे की नोक पर लूट हो जाती है। सीआईए की टीमों को मौके पर बुला लिया जाता है, कुछ ही देर में सीआईए की टीमें भी मौके पर यहाँ पर पहुँचेंगी। सीसीटीवी कैमरा ऊपर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इस समय जो डीएसपी हैं वो खंगालेंगे। एसएचओ इस समय मौके पर पहुँच चुके हैं और मामले की पूरी गहनता से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। सीआईए की टीमें भी इस समय आप देख सकते हैं आईआईएफएल गोल्ड लोन, जहाँ पर बैंक 1.5 लाख रुपये वह निकलवा कर गया था, वहाँ पर सीआईए की टीमें भी इस समय मौके पर पहुँचती हुई नजर आ रही है। डीएसपी खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं, एसएचओ खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ी वारदात हो जाती है। 1.5 लाख रुपये की नकदी बताया जा रहा है कि यहीं से जो सुनील नाम का एक पुलिस कर्मचारी है जो होमगार्ड का जवान है वो पैसे निकलवा कर गया था, उसके साथ जो है लूटपाट की बड़ी वारदात हो जाती है। तमाम पुलिस की टीमें इस समय अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। फिर इस समय आप देख सकते हैं लगातार पुलिस की टीमें, सीआईए की टीमें हर तरफ जो है आप देख सकते हैं गहनता से पूछताछ करती हुई नजर आ रही है, छानबीन करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी तक कुछ साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं। लेकिन जानकारी इतनी जरूर है कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है, आप देख सकते हैं दो दो सीआईए की टीमें हों, थाना एसएचओ हों, डीएसपी हों, वो इस समय यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से छानबीन जो है की जा रही है। 1.5 लाख रुपये की राशि जो है इसी जो गोल्ड लोन का बैंक है यहाँ से वह पुलिस कर्मचारी जो होमगार्ड का जवान भी है वो यहाँ से पैसे निकलवा कर गया था। ये मोटरसाइकिल आप देख सकते हैं, आगे पुलिस का स्टिकर भी लगा हुआ है, इसी मोटरसाइकिल पर वह था बताया जा रहा है। और दो लुटेरों ने तमंचे की नोक पर जो है उनके साथ ये लूटपाट कर लिया, जिसके बाद तमाम पुलिस की टीमें इस समय आप देख सकते हैं मौके पर मौजूद है। निसिंग मेन रोड पर जो गोल्ड बैंक पड़ता है, लोन बैंक पड़ता है, वहां पर इस समय पूरी गहनता से पूछताछ की जा रही है। फिर इस समय आप देख सकते हैं काफी देर जो है जांच की, डीएसपी साहब खुद मौके पर पहुंचे थे, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर कुछ पता चल पाया कौन लुटे रहे थे और क्या कुछ जानकारी, कितने लाख की लूट हुई है? सर कितने लाख की लूट नहीं है, सिर्फ इस लड़के ने 30,000 रुपये इसके में डाले थे गूगल पे ने, और 30,000 इसको कैश दिया था अपनी जेब से, कोई बैंक का पैसा नहीं दिया ना यूँ लेगा। इस लड़के ने अपने ट्रैक्टर की किस्त भरनी थी, इस तरीके से झूठ बोल दिया और कोई पैसे लूट नहीं हुई है। मतलब यहाँ से कितने निकलवाए थे सर इसने? 30,000 रुपये इसने अपनी जेब से कैश दिया था जी लड़के ने मैनेजर ने, और 30,000 इसकी उसमें गूगल पे में से मोबाइल में डाले।
60,000 रुपए निकलवाए हैं सिर्फ इसने, वो इसके हैंस के पास। तो इसने 1.5 लाख की कहानी बनाई, सारी कहानी बनाई थी इसने, उसकी किस्त भरनी, ट्रैक्टर की किस्त भरनी थी, ट्रैक्टर की कि भी मेरे वो किस्त जो है ना वो जाहिर मैं पैसा नहीं भर पाऊंगा, इस करके इसने झूठ बोला। इस मैनेजर का मैंने खाता चेक कर लिया, हाँ मेरे कार्ड का मैंने मैनेजर का रिकॉर्ड चेक कर लिया जी, ये फोटो कॉपी कहीं इसकी 1.5 लाख या 2 लाख कोई एंट्री नहीं है। मैंने कहा जितने पास इनके पास पैसे थे बैंक में भी और इसमें भी, और मैनेजर को मैंने पूछा थोड़ा सा प्यार से, इस लड़के से भी ने बता दिया सर मेरे पास मैंने अपनी जेब से 30,000 उसको मैंने कैश दिया था और 30,000 गूगल पे में डाल लिया, तो मैंने इसका गूगल पे भी चेक कर। तो 1.5 लाख की किस्त कैसे बचती, पैसे तो इसने निकलवाए नहीं वहाँ, झूठ बोला ना, पुलिस को गुमराह करा है सर कहीं ने, गुमराह किया, ट्रैक्टरों की किस्त भरनी होगी, पर सर मैंने किस्त भरनी थी मैंने झूठ बोल दिया, फिर मैं संतुलन में आ गया वो चुप गया। तो सर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी क्योंकि खुद पुलिस में है ये, अभी मैं बुला के स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ उसके बाद। तो सिटी थाने में है सर ये, सिटी थाने पोस्टेड है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं DSP साहब ने एक बड़ा खुलासा किया है, एक बड़ा मामला निकल कर सामने आया है, हैरान कर देने वाली कहानी कि लूट नहीं थी, कहानी मचाई गई थी, आप देख सकते हैं कहानी बनाई गई थी, मिसिंग लूट में एक बड़ा खुलासा होता है। IIFL फाइनेंस से कोई 1.5 लाख रुपए की राशि नहीं निकलवाई गई थी, खुलासा हो चुका है। तमाम CIA की टीमें मौके पर पहुंची है, तमाम SHOs मौके पर हैं, आप देख सकते हैं एक बड़ा खुलासा खुद DSP करनाल ने किया है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, खुद पुलिस कर्मचारी है, उसने आखिर इस तरह की कहानी क्यों बयान करी, ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर उठता है। और इस समय आप देख सकते हैं CIA की टीमें मौके पर पहुंच जाती है, मामले की पूरी गहनता से छानबीन की जाएगी, क्योंकि ये चीज क्लियर हो चुकी है कि 1.5 लाख रुपए की राशि नहीं निकलवाई गई बैंक से। बड़ा मामला आप देख सकते हैं, बड़ा खुलासा हो जाता है मिसिंग लूट मामले में, 1.5 लाख रुपए की लूट नहीं बल्कि ट्रैक्टर की किस्त भरनी थी, जिसके चलते पुलिस कर्मचारी जो ये है इसने सारी कहानी बयान की थी। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, मिसिंग में एक 1.5 लाख की लूट हो जाती है जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया, लेकिन इसमें एक हैरान कर देने वाला खुलासा DSP करनाल ने किया है, ये लूट हुई नहीं थी। इस समय हम उसी गोल्ड लोन वाले बैंक के बाहर मौजूद हैं, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे उस पुलिस कर्मचारी ने जिसने ये फिल्मी कहानी बयान की थी उसे जब सख्ती से पूछताछ की गई, और यहाँ पर जब आकर पुलिस कर्मचारियों ने जांच की तो पता चला कोई 1.5 लाख रुपए यहाँ से नहीं निकलवाया था गोल्ड लोन लेकर, बल्कि 60,000 रुपए निकलवाए थे, 30,000 रुपए इसकी जेब में थे, 30,000 रुपए इसने ऑनलाइन जो है लिए थे अपने खाते में। और सबसे बड़ी बात है जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि ट्रैक्टर की किस्त देनी थी, जिसके चलते उसने ये सारी 1.5 लाख की लूट की कहानी झूठी कहानी बयान की थी। पुलिस कर्मचारी है खुद जिसने इस तरह का ड्रामा रचा था, सिटी थाना में जो है होमगार्ड का जवान है पुलिस कर्मचारी, अब इसके खिलाफ जो है पुलिस आगे की विभागीय कार्रवाई करेगी। तो ये लाइव तस्वीरें करनाल के निसिंग से समय आप देख रहे थे, कमल मिट्टा करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल।